भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद दोनों देशों के बीच अहम वार्ता होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ विशेष बातचीत करने वाले हैं। इससे भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा और सहयोग के मामले पर दोनों देशों में अहम बातचीत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बातचीत अमेरिका और भारत के संबंधों में परमाणु समझौते के बाद एक मील का पत्थर साबित होगी। ICET बैठक के एजेंडे को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी 31 जनवरी को व्हाइट हाउस में दोनों पक्षों के बीच बैठक की समाप्ति के बाद दिए जाने की संभावना है। NSA अजीत डोभाल इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहली उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान वह अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन सहित शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। महत्वाकांक्षी ICET बैठक के एजेंडे को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों ने फिलहाल कोई राज नहीं खोला है। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी 31 जनवरी को व्हाइट हाउस में जाने की संभावना है। भारत और अमेरिका को उम्मीद है कि यह बैठक दोनों देशों के कॉरपोरेट क्षेत्रों के बीच एक विश्वसनीय भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की नींव रखने में मददगार साबित होगा, ताकि स्टार्टअप की संस्कृति से फल फूल रही सार्वजनिक निजी साझेदारी पर जोर देने वाला दोनों देश वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तानाशाही हुकूमतों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक और डटकर सामना कर सके। बीते वर्ष मई 2022 में जापान की राजधानी टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। इसी दौरान संयुक्त बयान में पहली बार ICET का जिक्र किया गया। डोभाल के साथ अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सचिव स्तर के 5 अधिकारी और उन भारतीय कंपनियों का कॉरपोरेट नेतृत्व शामिल है जो भारत में कुछ अत्याधुनिक अनुसंधान कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार जे सतीश रेड्डी, दूरसंचार विभाग के सचिव के राजा राम और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक समीर वी कामत इस बैठक में विशेष रूप से शामिल हो रहे हैं। ICET के तहत ऐसे 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग, सह विकास और सह उत्पादन का सिद्धांत अपनाया जाएगा। इसके बाद इसे धीरे धीरे क्वाड, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान का रणनीतिक समूह, फिर नाटो और फिर यूरोप और दुनिया के बाकी क्षेत्रों में भी विस्तार दिया जाएगा। मकसद दुनिया को ऐसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां प्रदान करना है जो तुलनात्मक रूप से काफी सस्ती हो। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा नवाचार, अंतरिक्ष, 6G और सेमीकंडक्टर जैसी उन्नत संचार पद्धतियों को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।